हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है आर्टिस्ट राजमन चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्टिफिशियल सेक्शन। तो मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत से स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज इस वीडियो में क्या खास होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रोज़ के फ्लावर कैसे बनाते हैं, यानी कि हम गुलाब के फूल को कैसे बनाएँ। और मैं जो ये पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं ये पेस्टल शीट है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये मोटी और पतली दोनों में आती है, तो मैंने ये पतली लिया है। 8x8 सेंटीमीटर का मैंने ये काट के रख लिया है। तो चलिए देर न करते हैं और आप लोगों को जल्दी से फ्लावर बना के बताते हैं। ये फेविकोल है और ये नाइफ कटर है और ये कैंची है, जिसकी ये हमारे टूल्स हैं। इन टूल की मदद से हम फ्लावर बनाएंगे। जैसा कि फ्रेंड मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, यानी कि 3 फोल्ड करना, यानी आपको 3 बार फोल्ड करना है। ये 1 फोल्ड और फिर ये 2 फोल्ड, ठीक डिट्टो ऐसे ही 3 फोल्ड। आप चाहे तो ऐसे ही काट सकते हैं, अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा हो तो आप ऐसे पेंसिल से इस पर इस तरह से लाइन बना के, सर्कल बना के ऐसे ही हाफ सर्कल, उसके बाद आप कटिंग करिए। और मैं तो फ्रेंड ऐसे ही काटता हूँ, सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा हैंड सेट है। ये कंप्लीट हो गया। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, एक फ्लावर बनाने के लिए मुझे 4 पेपर की जरूरत पड़ती है। 4 पेपर को फोल्ड करके आपको इस तरह से राउंड सर्कल, हाफ सर्कल में इस तरह से राउंड करके काटना है। आप चाहे तो पेंसिल के हेल्प से राउंड करके काटिए या ऐसे काटिए, ठीक है। ऐसे काटने के बाद में फिर यहाँ पर इसके यहाँ बीच के भाग को थोड़ा थोड़ा क्रॉप करने के बाद अब इसको ओपन करेंगे। और जरूरत होती है, 4 पेपर में एक फ्लावर तैयार होता है। फर्स्ट में जिस तरह से फर्स्ट में मैंने एक पंखुड़ी काटा है और सेकेंड में 2 काट दिया है और थर्ड में 3 काट दिया है और फोर्थ में 4 काट दिया है, ठीक है। उसके बाद एक में 3 है, 2 है और 1 है। इस तरह से हमारा ये 7 लेयर हो गया है। 7 लेयर में जाके ये फ्लावर तैयार हो गया। तो चलिए फ्रेंड देर न करते हैं और फटाफट इसको ऐसे चिपकाना है। कहीं ये है कि ये ध्यान रखिएगा कि जो थोड़ा जल्दी सेट हो, कि आप ज़्यादा समय तक इसे पकड़ के नहीं रख सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड मैंने सारे पेपर को चिपका के जोड़ दिया है और इसमें 1 कटिंग किया था, इसमें 2 किया था, इसमें 3 किया था और ये 4 का था और ये 3 का और ये 2 का है और ये लास्ट बचा है 1। और इस 1 को ऐसे यहाँ पे बिल्कुल लगा के कि फ्रेंड सारे पेपर जो है चिपक गए हैं आपस में अच्छे से। अब इनको जो है ये ब्रश है और इसी ब्रश की मदद से हम इसको थोड़ा बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है। और ये पेपर यहीं पर आराम से फोल्ड हो जाएगा। ये आप यहाँ पे इसको रखिए, ऐसे दिखा दिए और ऐसे आराम से, कितना बढ़िया हो रहा है। फिर मैंने सारे फ्लावर को फोल्ड कर दिया है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हैं, ऐसे से सेट कर लेना है और यहाँ नीचे अटैच हो वहीं पर लगाएंगे। सामने नहीं होना चाहिए, ये जो गैप है गैप के सामने दूसरा वाला आना चाहिए, एक के सामने एक नहीं होना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड मैंने इसको बना तैयार कर दिया है और एक एक बार इसको फूल को और सही कर लेते हैं। दोनों कलियों के बीच में ये जो गैप है, इसी गैप पे ही दूसरा स्टेप आए, तीसरा स्टेप इसके गैप पर आए और गैप के सामने गैप ना रखें। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं। और ये मैंने इसको बना दिया है। अब फटाफट इसमें टहनी सेट कर लेते हैं, जिसमें मैं पहले
किसी पिंक में ही एक टहनी सेट करके दिखाता हूँ कैसे टहनी बनाते हैं। वैसे तो आप चाहे तो सिर्फ पेपर का ही बना सकते, आप चाहे तो इससे और भी लंबी पट्टी ले सकते हैं, पर फ्रेंड ज़्यादा चौड़ी नहीं करना, इसको सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही रखना, जिससे कि ये रोल करने में बहुत ईजी रहेगा। आप चाहे तो सिर्फ पेपर का ही कर सकते हैं, लेकिन पेपर का बहुत लूज हो जाता है, तार के सीख वाले जो झाड़ू आते हैं उसी का ये सीख है। और मैंने ये साफ किया हुआ भी मिलता है, ऐसे मिलता है, अगर आप साफ किया हुआ वाला लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये साफ किया हुआ वाला है और इसी पे मैं इसको फोल्ड करूँगा। तो मुझे अनुमान लगा लेना मुझे कितना बड़ी चाहिए। एक सीख को क्रॉप कर लिया है और यहाँ पर हेवी फोल लगाएंगे, इसको इस तरह से रोल कोशिश करें फ्रेंड कि इसको टाइट ही लपेटे, ढीला ना हो। और ये इस तरह से इसको ऐसे इसके तो देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी टहनी तैयार हो गई है और एकदम मजबूत है, इसे ऐसे देख सकते हैं। अब इसमें अगर आप फ्लावर लगाएंगे तो अगर मुड़ भी जाता है तो ये पेपर का अगर होता तो ये टूट जाता और फोल्ड हो जाता बीच से, वो सही नहीं होता है, ये ज़्यादा बेहतर होता है। मैं यही यूज करता हूँ, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। या और इसको बीच से कॉर्नर कॉर्नर ऐसे फोल्ड करेंगे, जैसा कि फ्रेंड इसमें मैंने पीछे की तरफ जरूर लगा दी, जैसे कि इसके निकलने के चांस बिल्कुल भी ना हो। जैसा कि फ्रेंड ये मैंने एक फ्लावर को बना के तैयार कर दिया है और ये आप देख लीजिए, और इस तरह से ये लगा दिया है और एक इसमें बीज जोड़ दिया है, एक पत्ता ही काफ़ी है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर आप गुलदस्ते में लगाएंगे तो